हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिखा. वेलकम टू माय वीडियो. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th ऑफ जियोग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. टुडे माय टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड द ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन on the basis of ownership. It has four points. First is individual resource. These resources are owned by individual. Means वो resources जो एक individual, means एक person के अपने खुद के resource हैं, उनके person का individual का right है उन resources पर. These are called individual resources. जैसे आपका अपने खुद के घर में कोई vehicle है, वो आपका है. आपका अपना खुद का घर, आपका अपना प्लॉट, तो वो आपके अपने हैं. किसी और आपके नेबर का उसके ऊपर राइट नहीं है. सो दीज आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, पीपल ओन्स हाउस, प्लॉट एंड अदर प्रॉपर्टी. क्लियर दिस इंडिविजुअल रिसोर्सेज. नेक्स्ट, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. मीन्स वो रिसोर्सेज जिस पर एक कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका उनके ऊपर राइट होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्ले ग्राउंड में आप खेलने जाते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को आने के लिए मना नहीं कर सकते. सिर्फ आपका ही उस पर राइट नहीं है, उस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, ऑल हैव राइट इन दिस पार्क, इन दिस ग्राउंड. क्लियर? ऐसे रिसोर्सेज जो जिनका सब जिस पर कम्युनिटी के सभी मेंबर्स उन्हें यूज कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज. क्लियर? Community owned resources, these are the resources which owned by all the members of a community. These are the resources which owned, जिसके ऊपर सबका right होता है, by all the members of a community. For village commons such as, for example, grazing ground, यानी कि animals को जो चरने के लिए जो घास खाने के लिए जो ground होते हैं. बरियल ग्राउंड्स मीन्स जिसकी डेथ होने के बाद जिसको दफनाया जाता है, दिस आर बरियल ग्राउंड्स. विलेज पॉन्ड्स एंड पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एंड प्ले ग्राउंड्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. दिस आर दोज प्लेसेस विच आर ओन्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी. सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का उनके ऊपर राइट नहीं होता, दे एक कम्युनिटी के मेंबर्स जो होते हैं उनको सबका उनके ऊपर वो यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्स. नेशनल रिसोर्स मीन्स एक कंट्री में जितने भी रिसोर्स आते हैं वो कंट्री का उनके ऊपर राइट होता है. आपके घर पर भी जो आपका जो घर है वो भी एक नेशनल रिसोर्स में आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंट्री को, गवर्नमेंट को अगर हाईवे बनाना है और वो उस रास्ते पर उस वे में बनाना है कि आपका घर उसमें आ रहा है, तो गवर्नमेंट के ऊपर के पास ये राइट है कि वो उस पर आपसे वो लेकर उसके प्राइस देकर उस पर वहाँ पर वो हाईवे बना सकती है. क्लियर? सो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. नेशनल रिसोर्सेज में वो सभी रिसोर्सेज जो एक नेशन के अंदर आते हैं, जिसमें आपका अपना प्लॉट भी हो सकता है, आपका हाउस भी हो सकता है, और बिलोंग टू नेशन. द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी. मीन्स कंट्री के पास लीगल कानूनी राइट होता है कि वो पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड के लिए यूज कर सकती है. क्लियर? ऑल द मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, बिलोंग टू द नेशन. मीन्स एक कंट्री में जो जितने भी मिनरल्स हैं किनका राइट है? कंट्री का है. क्लियर? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड जो इस कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री में आते हैं, तो एक नेशन का उनके ऊपर राइट है. इसके साथ साथ ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. मीन्स दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सदर्न एरिया. क्लियर? सदर्न एरिया, तो दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज इंडियन ओशियन. क्लियर? सो इंडिया का
इंडिया के जो ये यहाँ पर इस बाउंड्री से ओशियन के 12 नॉटिकल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर तक ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, पेट्रोल है, ये सब किसका राइट है इन पर? नेशन का. क्लियर? 12 नॉटिकल माइल्स, यहां पर भी 12 नॉटिकल माइल्स, अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सर्दर्न एरिया, ये है अरेबियन ओशियन, दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज इंडियन ओशियन. क्लियर? इंडिया की जो कोस्ट यहां से लेकर यहां तक 12 नॉटिकल माइल्स तक किसका राइट है? इंडिया की कंट्री का. क्लियर? इधर से भी 12 नॉटिकल माइल्स और इन फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. क्लियर? नेशनल रिसोर्स, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन. ऑल रिसोर्सेज जो एक नेशन से बिलोंग करते हैं, ऑल आर रिलेटेड टू नेशन. द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी. कंट्री के पास लीगल पावर है टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का फॉर पब्लिक गुड. क्लियर यहां तक? ऑल द मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्री. इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में जितने भी मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड किस में आते हैं? वो नेशनल रिसोर्सेज. इसके साथ साथ ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट बिलोंग टू द नेशन. दिस फॉर एग्जाम्पल दिस इज सदर्न एरिया एंड फ्रॉम दिस साइड 12 नॉटिकल माइल्स इन अरेबियन सी एंड इन इंडियन ओशियन 12 नॉटिकल माइल्स, इन बे ऑफ बंगाल 12 नॉटिकल माइल्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर तक जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर किसका राइट है? इंडिया का. सो दीज आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज. क्लियर? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. ये कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? इंटरनेशनल, विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं. द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स. क्लियर? 200 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली 375 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. किसमें आते हैं वो? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशियन. किसमें आते हैं वो? ओपन एशियन ओशियन. एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज उन रिसोर्सेज को यूज करने का राइट सिर्फ कंट्री का है, कुछ एक कंट्री का, सभी कंट्रीज को नहीं है. अगर जिन कंट्रीज को भी वो यूज करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि यूएन. अब ये देखो कि 200 नॉटिकल माइल्स क्या है. 200 नॉटिकल माइल्स, फ्रॉम दिस साइड, आज इसी एग्जाम्पल पर, फ्रॉम दिस साइड, दिस बाउंड्री, दिस कोस्टल एरिया, यहां से लेकर यहां तक. क्लियर? 200 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली 375 किलोमीटर. यहां पर भी 200 नॉटिकल माइल्स और यहां पर भी 200 नॉटिकल माइल्स. तो इंडिया कैन यूज दिस रिसोर्सेज इन दिस एरिया बट विद द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूएन. क्लियर? कि ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंट्री की बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक आते हैं. 200 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली 375 किलोमीटर, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक. क्लियर? तो इन पर किसका राइट है? राइट नहीं है. कंट्री कैन यूज दिस रिसोर्सेज फ्रॉम द परमिशन ऑफ यूएन. क्लियर? इन इंडियन ओशियन ऑल्सो, इन बे ऑफ बंगाल ऑल्सो. सो दीज रिसोर्स, नो ऑल कंट्रीज कैन यूज दिस रिसोर्सेज, ओनली सम कंट्रीज कैन यूज दिस रिसोर्सेज फ्रॉम द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज लाइक यूएन. क्लियर? टुडे आई एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
इनका जो पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स, दिस रिसोर्सेज आर ऑन बाय इंडिविजुअल, वो रिसोर्सेज इंडिविजुअल ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल ऑन हाउस प्लॉट एंड अदर प्रॉपर्टी. सेकंड कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज विच ऑन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, ये वो रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स उनको यूज करते हैं. विलेज कॉमन फॉर सच एज ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट नेशनल रिसोर्सेज, जो एक कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं चाहे वो हमारा घर ही क्यों ना हो, ऑल आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज. टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, ऑल रिसोर्सेज जो एक कंट्री में आते हैं वो बिलोंग टू द नेशन, नेशन से बिलोंग करते हैं. द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंट्री के पास लीगल पावर होती है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की फॉर पब्लिक गुड. ऑल द मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, वो सब क्या है, एक नेशन के रिसोर्सेज हैं. इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्री में जो आते हैं, क्लियर. एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ओशियनिक एरिया के 12 नॉटिकल माइल्स यानी अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर तक जितने आते हैं वो कंट्री के नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं, क्लियर. दीज आर और कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं. द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ओशियनिक की जो कोस्टल एरिया है उससे 200 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली 375 किलोमीटर तक जो रिसोर्सेज है कंट्री कैन यूज फ्रॉम द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन. नो ऑल कंट्रीज कैन यूज दिस रिसोर्सेज बिकॉज दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक कंट्री इनको यूज कर सकती है, कुछ ही कंट्रीज, सभी नहीं, लेकिन किसकी परमिशन से, यूएन की. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इट हैज फोर पार्ट्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स. क्लियर. नाउ फर्स्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, वो रिसोर्सेज जो एक एरिया एक क्षेत्र में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन अब तक उनका यूटिलाइज नहीं किया गया. फॉर एग्जाम्पल अब से पहले एंशियंट टाइम में जब सनलाइट अभी भी है, पहले भी थी, एयर विंड अब भी और पहले भी है, तो अब हमें मालूम है कि वी कैन जनरेट एनर्जी फ्रॉम सन, वी कैन जनरेट एनर्जी फ्रॉम विंड, बट इन द पास्ट वी डिड नॉट नो, हमें नहीं पता था इसके बारे में. सो एट दैट टाइम ऑल आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, प्रेजेंट में भी कहीं ऐसी एनर्जी हैं अभी प्रेजेंट में भी हमारे एटमॉस्फेयर में, बट वी डोंट नो हाउ कैन वी यूटिलाइज देम. ऐसे प्रेजेंट में भी ऐसे कई एनर्जी हैं जिसे हमें नहीं मालूम हाउ कैन वी यूटिलाइज देम, उनको हम कैसे रिसोर्स, उन रिसोर्सेज को एज ए रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हैं. रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, वो रिसोर्सेज जो एक रीजन में एक एरिया में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन अब तक उनको यूटिलाइज नहीं किया गया. फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पर्टिकुलरली गुजरात एंड राजस्थान, क्लियर. गुजरात एंड राजस्थान के जो हमारे वेस्टर्न पार्ट में जो हैं दे हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड, इतनी वहाँ पर है कि विंड इतनी फास्ट स्पीड से चलती है कि वी कैन जनरेट लॉट ऑफ एनर्जी from there and solar energy also, but so far these have not been developed property, but हम उसको नहीं use कर रहे हैं, उनको utilize नहीं कर रहे हैं, हो सकता है lack of technology, lack of development, lack of knowledge, so the energy which we have but we don't know how can we use them, clear. So these are called potential resources. Now second type of on the basis of status of development, this is developed resources, clear. Resources which have been surveyed, those resources which have been surveyed, jinka survey ho chuka hai, and their quality
एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, और हमें ये भी मालूम है कि वो इनकी क्वालिटी क्या है और वो कितनी क्वांटिटी में है हमारी अर्थ पर. क्लियर. रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड, दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड, जिनके सर्वे हो चुका है जिन पर, एंड वी नो द क्वालिटी, वी नो देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हमें उनकी क्वालिटी भी पता है. क्लियर. एंड हमें ये भी मालूम है कि वो कितने अर्थ पर हैं. क्लियर. क्वांटिटी ऑन द अर्थ हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, की कितना हम यूज कर सकते हैं. क्लियर. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड, बट द डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट किस पर डिपेंड है? टेक्नोलॉजी पर, नॉलेज पर. सो दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड, जिनकी सर्वे भी हो चुका है, एंड वी नो द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी, हमें ये भी मालूम है कि उनकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी भी है. डिटरमाइंड फॉर यू, हम उनको कितनी क्वालिटी उनकी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन, एंड हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज वी कैन यूज. क्लियर. बट ऑल दीज यूटिलाइजेशन डिपेंड ऑन, जब हम ये यूज करते हैं किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, डिपेंड्स ऑन अवर नॉलेज. क्लियर दिस पॉइंट. डेवलप्ड रिसोर्स. नेक्स्ट इज स्टॉक. मिनरल्स इन आवर एनवायरमेंट विच हैज अ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दोज मिनरल्स विच हैज अ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, वो मिनरल्स जिनमें पोटेंशियल यानी कि क्षमता है ह्यूमन नीड्स को, की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने की, बट ह्यूमन डज नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन ह्यूमन बींग के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें यूज करने की. क्लियर. टू एक्सेस उन दीज आर कॉल्ड स्टॉक, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक मीन्स वी हैव मिनरल्स, वी हैव रिसोर्सेज, बट वी हैव नो टेक्नोलॉजी हाउ कैन वी यूज दिस. हमारे पास रिसोर्सेज हैं ह्यूमन बींग के पास, बट ह्यूमन बींग डज नॉट नो how he can use this because lack of technology. Clear? These are called stock. For example, water is a compound of two inflammable gas. Inflammable gas means जो जिनमें आग नहीं लगती. Clear? Hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy. यानि कि we know that we can use hydrogen and oxygen for the generation of energy, but due to lack of technology, we can't use. We are not using this energy. Clear stock. Next is reserves. Actual reserve is a sub point of stock. जो reserves है उस stock का ही एक point है. Clear. These are the subset of stock. Clear. These are the subset of stock का ही एक part है, which can be put into the use with the help of existing technical know-how. We know how can we use that, and we have technology also for using them. Yani ki we have resources and we have technology for using them. Hame inko use karne ke liye technology bhi hai, resources bhi hai, but we are not using them. Clear? Hum unhe use nahi kar rahe hain. Why? For the future generation. Clear? So these are the subset of stock which can be put into the use with the help of existing technical know-how. Hum jante how can we use them, but their use has not been started, but abhi tak humne unka use start nahi kiya hai. This can be used, ye use ho sakte hain for the future requirements, for the meeting of future requirements. Clear? All points of status or development. First, potential resources means potential hai, but lack of technology, we are not using them. Developed, we know the quality of quantity of these resources. Stock, we have resources, but lack of technology, we are not using them. For example, we know we can use hydrogen and oxygen for the, these are the rich source of energy, but lack of technology, we are not using them. Clear? Next, reserves. Reserves is a sub point of stock. Clear? And we know the knowledge, we know the we have technology, how can we use them, but we still we are not using them. Clear? So these can be used, hum inko future mein use kar sakte hain. This is the reason. This can be used for meeting future generation. So today I completed my topic, classification of resources. All points I completed today.
थैंक यू।